दोस्तों, टीम इंडिया का एक खिलाड़ी पिछले 4 साल में भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। इस खिलाड़ी को MS धोनी की कप्तानी में कई मौके मिले थे। वहीं साल 2020 से इस खिलाड़ी को भारतीय घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा नहीं मिला है। इस खिलाड़ी ने अब अपने करियर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये खिलाड़ी अब टीम इंडिया की जगह विदेश में मौकों की तलाश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज मुरली विजय काफी समय से टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। मुरली विजय एक समय भारतीय टेस्ट टीम के सबसे अहम खिलाड़ी माने जाते थे। दोस्तों, मुरली विजय 38 साल के हो चुके हैं और अभी भी मैदान में वापसी करना चाहते हैं। उनका मानना है कि BCCI के साथ समय पूरा हो चुका है। मुरली विजय ने क्रिकेट में अपनी वापसी पर बात करते हुए स्पोर्ट स्टार पर एक शो के दौरान कहा, मेरा BCCI के साथ समय लगभग पूरा हो चुका है, मैं विदेश में मौकों की तलाश कर रहा हूँ। दोस्तों, मुरली विजय ने आगे कहा, भारत में 30 साल के बाद खेलना एक टैबू है। मुझे लगता है कि लोग हमें सड़क पर चलता हुआ 80 साल का बुजुर्ग समझने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप 30 साल की उम्र में करियर की पीक पर होते हैं। अभी यहां बैठकर मुझे लगता है कि मैं बेस्ट बल्लेबाजी कर सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मौके कम थे और मुझे बाहर मौके तलाशने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मुरली विजय ने साल 2008 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू मैच खेला था। मुरली विजय भारत के लिए 61 टेस्ट मैच, 17 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। दोस्तों, इन टेस्ट मैचों में उनके नाम 38 की औसत से 3982 रन दर्ज हैं, वहीं वनडे में 21 की औसत से 339 रन और T20 में 18 की औसत से 169 रन बनाए हैं। दोस्तों, मुरली विजय ने दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद उन्हें टीम इंडिया में कभी मौका नहीं मिला। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।